रेड फॉस्फोरस आयड डाल देने से HI, ठीक है। अब आता है एल्डिहाइड और केटोन, तो ये होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल में ZN प्लस HG और HCl और रिडक्शन करवा देते हैं तो हम लोग अल्केन लाते हैं, और इसी को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। जिंक प्लस मरकरी और स्लैश देखिए HCl रहे, ZnHg प्लस HCl, ZnHg और HCl रहे, तो हम लोगों का क्या चीज आ जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन, और इसी को क्लेमेंसन बोलते हैं। फिर आता है कार्बोक्सिलिक या NH2 और OH- डाल दो, NH2 डाल दो और OH- डाल दो, तब भी अल्केन आ जाएगा। फिर आता है कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक में क्या चाहिए होता है, कार्बोक्सिलिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे सोडा लाइम भी बोलते हैं, हीट करवा दो, तो वहाँ से आप लोगों को आ जाएगा अल्केन, प्लस कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि H2 का फॉर्मेशन होता है और CO2 का होता है, तो एट एनोड CO2 आएगा और एट कैथोड आप लोगों को H2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तो एनोड पे CO2, कैथोड पे H2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG से हम लोगों का अल्केन बन जाएगा। अब अल्केन का रिएक्शन देखो, अल्केन का रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ये होगा, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, हैलोजिनेशन है, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, HNO3 डाल दिए तो RNO2 बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डाल दिए तो RSO3H बन जाएगा, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड और HCl डाल दिए तो आइसोमेरिक अल्केन बन जाएगा, मतलब क्या चीज अल्कीन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। आइसोमेराइजेशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया अच्छा से। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो Cr2O2 प्लस Al2O3 डाल दो तो एरोमेटाइजेशन बोलेंगे। पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस को बोलते हैं क्रैकिंग, पायरोलाइसिस को बोलते हैं क्रैकिंग, और क्रैकिंग मतलब होता है कि रिड्यूस कर देता है, नंबर ऑफ कार्बन विल बी रिड्यूसेस, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देता है, तो उसी को बोलते हैं। देखो अल्किन्स प्लस अल्केन, अल्केन को तोड़ के अल्किन्स प्लस अल्केन में ला के कन्वर्ट कर देगा, उसको क्रैकिंग बोलते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन। तो ये तीन चीज़ था, आइसोमेराइजेशन, ये क्या चीज, क्रैकिंग और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आता है आप लोगों को CH2N2 और हीट करके डाल दो तो हायर अल्केन बन जाएगा, इसको बोलेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बिन, ठीक है। तो वहाँ था अल्केन, अब आता है अल्किन्स, तो अल्किन्स में देखो अल्केन को पायरोलाइसिस अभी तो देखा है, आप पायरोलाइसिस किया तो अल्किन्स। तो देखो ये जो है ना, इस लाइन में जो भी है वो है कि पहले का जो आता है ना, मेकिंग प्रॉपर्टी या प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये जितना भी प्रिपरेशन है और इस लाइन में है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। प्रिपरेशन तीन चीज़ पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, पहला तो प्रिपरेशन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं केमिकल, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस लाइन में आप लोगों को प्रिपरेशन मिल जाएगा, ये प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा अल्केन का, और अल्केन का रिएक्शन क्या होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह अल्किन का ये प्रिपरेशन, तो बार बार बता दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रिपरेशन है और राइट हैंड साइड केमिकल रिएक्शन, और फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो भी देखूंगा, समय मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। अब आता है अल्केन, अल्केन में पायरोलाइसिस कर देते हैं तो अल्किन्स बनता है। हेलाइड में अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक OH एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, जाहिर सी बात है एलिमिनेशन करेगा, तो एलिमिनेशन मैंने अभी बताया GOC में फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। फिर आप लोगों को जिंक और ये डाल दो तो डीहेलोजिनेशन हो जाएगा, दो गो हेलाइड है, दोनों को दोनों हटा देगा, ठीक है, डीहेलोजिनेशन करके अल्किन ला देगा। सोडियम प्लस लिक्विड NH3 इंपॉर्टेंट है, ट्रांस अल्किन देगा, क्या चीज देगा, अल्काइन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड देगा, सोडियम प्लस लिक्विड NH3, और उसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, इसको क्या चीज बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन। अब आता है प्लेडियम प्लस CaCO3 और PdBSO4 रख लो, और Ni2B रख लो, या प्लेटिनम होना चाहिए यहाँ पे, टू कैटलिस्ट रख लो, तो आप लोगों को अल्किन मिल जाएगा, और ये टोटल को हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, क्या चीज बोलते हैं, लिंडलार। PD प्लस CaCO3 और क्यूनोलिन रहता, नहीं तो PdBSO4 और क्यूनोलिन, और निकल को जरूर रखना अगर BSO4 रखोगे तो, ठीक है। तो वहाँ से अल्किन बन जाएगा, और वो अल्किन बनेगा वो सिस बनेगा, क्या चीज बनेगा, सिस बनेगा, और Na प्लस लिक्विड NH3 से अल्किन जो बनेगा अल्काइन से, वो ट्रांस बनेगा। नीट 2016 का पेपर उठा करके देखो, मिल जाएगा। ये देखो NaNH2 और लिक्विड NH3। तो NaNH2 को मैं बार बार बोलता हूँ कि NaNH2 का मतलब ही होता है सोडियम इन लिक्विड NH3, मतलब Na इन लिक्विड NH3, ठीक है। और ये क्या चीज देगा, ये आपका देगा ट्रांस
अल्कीन, तो पहले ट्रांस अल्कीन बना लेना, ट्रांस अल्कीन के बाद कैची कर रहा है एन ए एन एच टू और फिर लिक्विड, तो फिर ट्रांस ही बनेगा ठीक है। और ये जोड़ते चलो, सी एच थ्री सी एच टू जोड़ दिया, फिर सी एच थ्री सी एच टू फिर से जोड़ दो, समझ में आ गया। तो पहले तो ब्यूटाइन बनेगा फिर हेक्साइन बनेगा, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आंसर, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब सोचोगे कि आई नाइन बन रहा है, इसमें इन कहाँ बन रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसका कैसे क्या होने वाला है। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, पायरोलाइसिस ऑफ इस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमीनोसाइड, अमीन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम, तो उसमें डाल दिया कि जी कोप्स इलिमिनेशन बोलते हैं, जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट लेस स्टेबल अल्कीन आता है। हॉफमैन प्रोडक्ट जो आता है वो लेस स्टेबल होता है, और जो अल्कीन आता है वो मोर स्टेबल होता है। फिर आता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, तो सी डब्ल ओ के वाला नॉर्मल सा रिएक्शन है। अल्कीन में हाइड्रोजिनेशन अल्केन, हेलोजिनेशन कर दो तो हेलो नो हेलोजन जुड़ जाएगा, फिर एच एक्स लगा दिया तो एच एक्स में ये आ जाएगा, ओ एच के साथ एक्स हेलोजन जोड़ दिया तो एक्स जुटेगा 1 डिग्री पे, कहाँ पे 1 डिग्री में, ये 1 डिग्री। ऑक्सीडेशन कर दिया तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल ही बनेगा, इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, पर ये 2 डिग्री है तो केटोन बनेगा ना कि एल्डिहाइड बनेगा ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा केटोन देता है ऑक्सीडेशन पे। फिर बी एच थ्री वाटर ब्रोमिन वाटर लगा दिया इसमें तो अल्कोहल बन गया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा कंपाउंड 1 डिग्री अल्कोहल दे, और उसमें एक ऑप्शन दे दिया था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का, क्लियर है। तो वो समझ गई मैं आ गया कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नहीं होगा, मतलब ए सी ओ का होल टू एच जी और एच टू ओ, या एन ए बी एच फोर और ओ एच रहे, तो ये आप लोगों को नहीं देगा कभी भी 1 डिग्री, ये हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, नो रीअरेंजमेंट, मतलब एंटी मार्कोनिक सॉरी मार्कोनिकफ रूल लेके चलो, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकफ रूल विथ नो रीअरेंजमेंट। सी एच टू एन टू हीट डाल दो तो ये आ जाएगा साइक्लिन हो गया, क्लोरीनेशन करवा दो एलाइलिक, सब्सटीट्यूशन आ गया एन बी एस भी है, 3/2 NO2, ये कुछ नहीं है। हाँ केम एन ओ फोर ओ एच माइनस या ओसमियम टेट्रा ऑक्साइड, ओसमियम टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और वाटर में डाल दो तो ग्लाइकोल हो गया, सीन एडिशन होगा, ये सारा कुछ बताया है यार, अब भूलना मत, लेक्चर में मैंने सारा कुछ बताया, सीन एडिशन कौन कौन सा देता है कौन कौन सा नहीं देता, क्लियर है। ओ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड देता है और केम एन ओ फोर देता है ठीक है, तो सीन एडिशन। और ओ थ्री ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस से भी क्वेश्चन डाला है, तो ओजोनोलाइसिस से अल्कीन में डबल बॉन्ड को तोड़ना है, वो एक ऑक्सीजन इधर दिया एक ऑक्सीजन इधर दिया तो कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा एल्डिहाइड, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, तोड़ा एक ऑक्सीजन दिया एक ऑक्सीजन दिया तो सी एच डबल बॉन्ड ओ एक एच, सी डबल बॉन्ड ओ एक एच और एक एच, देखो दो हाइड्रोजन था तो दो हाइड्रोजन है, तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं सी एच ओ, तो ये क्या चीज हो गया एल्डिहाइड, क्लियर है। इसी तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या हो, तो सारा कुछ क्वेश्चन में मिल जाएगा आप लोगों को, प्रैक्टिस आप लोगों का एकदम जेई एडवांस लेवल का करवा रहा हूँ मैं ठीक ना, तो टेंशन एकदम मत लीजिएगा, सही तरीका से पढ़ जाइए। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन आ गया तो अल्काइन में देख लो एन एन एच टू और आर एक्स और ये डाल दो तो आप लोगों का अल्काइन आ जाएगा, यही रिएक्शन था ठीक है, यही वाला रिएक्शन आप लोगों को उसमें पूछा है। अब आ गया ये अल्कोहलिक ओ एच डाल दीजिए, अल्कोहलिक ओ एच कैसी करेगा, सब्सटीट्यूशन करके तो ये कैसे आएगा, यहाँ तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा, देखो क्या होगा, देखो आराम से समझना, एक इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का आ गया, तो ये आप लोगों का मिल के यहाँ पे बना लिया पाई बॉन्ड, क्या चीज बना लिया पाई बॉन्ड। अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन भाई साहब और ये हाइड्रोजन भाई साहब भी फ्री रेडिकल करेंगे, और उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन सी पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन सी पे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे आएगा, और मिलके बनाएगा पाई बॉन्ड।
तो आ जाएगा हम लोगों का अल्काइन। क्लियर है, अल्कोहलिक योज यहाँ समझ में आ गया। अब आ गया RCH3, जिंक डस्ट या सिल्वर डस्ट, तो आप लोगों का अल्काइन आ जाएगा। फिर आ जाता है वही वाला, देख लो, ZN अल्कोहलिक के OH होगा और हीट कर दो तो आ जाएगा। फिर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का खास बात है कि आप लोगों को एक ही कंपाउंड मिल रहा होगा, COOK, COOK। चलो अब रिड्यूस कर दो, अल्काइन को रिडक्शन डाल देगा तो अल्केन आ जाएगा, H2 या निकल, प्लेडियम, प्लेटिनियम कुछ भी डाल दो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरा का पूरा रिड्यूस कर देता है। बीच रिडक्शन देख लो, सोडियम लिक्विड NH3 ट्रांस अल्कीन आएगा, लिंडलर कैटलिस्ट PD प्लस CO3 PD प्लस BSO4 और निकल तो सीस अल्कीन आ जाएगा। हेलोजन डाल दिया तो हेलो जिनेशन हो जाएगा, HX डाल दो तो वही है, HOX डाल दो तो केटोन ग्रुप बन जाएगा, फिर से Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 डाल दो तो देखो यहाँ केटोन फिर से बनता नजर आ रहा। HCN BSCN का होल टू डाल दो तो साइनाइड, तो इसका साइनाइड आ गया, प्लस एक रिडक्शन भी हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन जाके जुट गया। BH3 और ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे केटोन बन जाएगा। फिर वही ऑक्सीडेशन वाला कहानी है, फिर KMnO4 कार्बोक्सिलिक बन जाएगा फर्दर। फिर यहाँ ओजोनोलाइसिस है, तो ओजोनोलाइसिस में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। क्लियर है। अब आता है अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में फिर फ्री रेडिकल बोलते हैं, HMU बोला था ना, HMU कहीं पे भी रहेगा तो फ्री रेडिकल। अभी का अभी पढ़ा है आप लोगों को GOC में कि फ्री रेडिकल के लिए HMU चाहिए, तो HMU करेगा फ्री रेडिकल रिएक्शन और हेलोजन जोड़ के अल्काइल हैलाइड बना देगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेगा और X को जोड़ देगा, सब्स्टिट्यूशन लेके चलो, ROH X HX+PX3, X3 बोले तो PCl3, PCl5, SOCl2 रहे तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्कोहल से डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड बन जाएगा रिएजेंट, PCl3 PCl5, एक्स मतलब हेलोजन होता और SOCl2 हो, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं क्या, स्वार्ट्स नहीं, स्वार्ट्स इसे नहीं बोलते हैं, स्वार्ट्स आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, उसके नीचे है, उसके नीचे है RX, Na सोडियम और आयोडीन एसीटोन, तो फिंकलिस्टिन रिएक्शन, फिंकलिस्टिन इसे क्या चीज बोलते हैं, इसे हेलोजन एक्सचेंज बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज। फिंकलिस्टिन रिएक्शन में क्या चीज होता है, हेलोजन एक्सचेंज, लिखते चलो जो जो बोलते जा रहा हूँ लिखते चलो। फिर आता है RX, और RX में आप लोगों का AgF+ ग्लिसरॉल, तो याद रखना स्वार्ट्ज रिएक्शन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इधर क्या चीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर फ्लोरिन और आर आयोडीन, और ओनली फ्रॉम दिस इक्वेशन, और कोई दुनिया में ऐसा इक्वेशन नहीं है जो कि फ्लोराइड बना दे और आयोडीन बना दे, मतलब अल्काइल फ्लोराइड बना दे और अल्काइल आयोडाइड बना दे, हेलाइड बनाएगा वो भी फ्लोरीन और आयोडीन वाला, तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्ट्स रिएक्शन है। और जेई मेंस 2016 का नहीं, 2015 का क्वेश्चन है ये, किस समय का, 2015 जे इमेंस, अभी से 4 साल पहले का। RCOOAg Br2CCl4, मतलब कौन सा बेस्ट रिएक्शन होगा जो कि हम लोगों का फ्लोरीन वाला दे दे हेलाइड में, ठीक है। अल्काइल हेलाइड दे पर वो भी फ्लोरीन वाला, ठीक ना, हेलाइड हो वो फ्लोरीन हेलाइड हो, क्लोरीन ब्रोमीन ना हो, तो वो होगा स्वार्ट्स रिएक्शन 2015, देख लेना जा करके मिल जाएगा। अब आता है RCOOAg, मतलब कार्बोक्सिलिक, तो Br2CCl4 डाल दो, हांस डी का रिएक्शन बोलेंगे। फिर RNH2NOCl डाल दो, टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सोडियम ईथर डाल के अल्केन बना लेंगे और ZN डाल देते हैं तो रिडक्शन से अल्केन बन जाएगा, अल्कोहलिक क्यूएच डाल दो तो अल्कीन बन जाएगा। एक्वस क्यूएच सब्स्टिट्यूशन करता है ना, और अल्कोहलिक क्यूएच अल्कीन बनाता है, मतलब एलिमिनेशन। हाँ ठीक तो है, एक उसके अच्छा मैंने इधर थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, वही तो सोच रहा था कि कैसे हो रहा अल्कोहलिस से अल्काइन, क्योंकि फ्री रेडिकल दे रहा है, फ्री रेडिकल बोले तो पाई बॉन्ड का कर रहा, मतलब एलिमिनेशन देता है, अल्कोहलिक के ओएच एलिमिनेशन देता है, और एक उसके ओएच क्या चीज देता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसे लिख लेना यार, मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ तो आप लोग भी, मैं भी कंफ्यूज कर जाओ। अल्कोहलिक के ओएच जो है ना, अल्कोहलिक के ओएच ये क्या चीज करता है, ये आप लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। और एक्वस KOH जो होता है, एक्वस KOH ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लेना, अब इस तरीका से मत लिखना, अपना
समझ में आ जाए उस तरीका से लिखना। एक वर्ष के डाल दो सब्सटीट्यूशन की आर ओ एच बन गया, फिर आर ओ एन ए आर ओ एन ए तो ओ पे माइनस एन ए पे प्लस, और आर ओ आर बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। होगा क्या, जैसे आर है या एक्स है तो यहाँ एक्स पे माइनस और एन ए पे प्लस, तो एन ए एक्स आ जाएगा प्लस, यहाँ पे एन ए एक्स आ जाएगा एन ए एक्स, और यहाँ पे ओ पे माइनस है और आर पे प्लस है, तो ये माइनस प्लस को खोजेगा तो यहाँ पे प्लस मिल गया, तो ये प्लस वाला माइनस वाला चल जाएगा इस पे और आर ओ आर बना लेगा। ईस्टर का फॉर्मेशन है, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। फिर आर सी डबल ओ ए जी आर सी डबल ओ आर बन जाएगा, एन एच थ्री डाल दो तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा। फिर ए जी सी एन डाल दो तो आइसो साइनाइड बन जाएगा। क्या चीज बन रहा है, आइसो साइनाइड, और साइनाइड बनाने के लिए के सी एन और के एन ओ टू डालना होगा। फॉर साइनाइड फॉर्मेशन के सी एन के एन ओ टू विल बी यूज, बट फॉर आइसो साइनाइड ए जी सी एन विल बी यूज इन रीएजेंट। ठीक है, ए जी एन ओ टू डाल दो तो नाइट्राइल बन जाएगा, एम जी इथर डाल दो तो ग्रिगनार्ड रीएजेंट वाला कंपाउंड दे देगा। अब आ जाओ आप लोग अल्कोहल में, तो अल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आर सी एच टू देख लो, और यहाँ पे पूरा का पूरा कैची कर दिया, ऑक्सीमरकुरेशन डीमरकुरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बी एच थ्री एच टू ओ टू और ओ एच माइनस, इसको बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिनेशन और हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ब्रोमिन वाटर भी बहुत जगह मैं बोलता हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो कर दोगे तो अल्कोहल आ जाएगा, और ऑक्सीमरकुरेशन डीमरकुरेशन से अल्कोहल आएगा, और कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब आ जाता है आर सी डब्लू आर, ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज तो कतई नहीं आएगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। पर यहाँ दिया हुआ है H3O प्लस और आर सी डबल ओ एच को रिमूव करना है, आर सी डबल ओ एच को रिमूव किया और H3O प्लस मतलब एक H ले जाकर OH ले जाकर के जोड़ा। देखो H3O प्लस कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है ऐसे होगा, और ये टोटल कंपाउंड उड़ जाएगा माइनस लेके और R पे आ जाएगा प्लस, और ये भाई साहब नेगेटिव माइनस को खोज प्लस को खोजेंगे तो ये भाई साहब आकर के यहाँ जुड़ जाएंगे तो ROH बन जाएगा। अब आ गया रिडक्शन, अब देख लो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल आएगा, फिर केटोनिक ग्रुप है रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल आएगा, 2 डिग्री है इसलिए 2 डिग्री आएगा अल्कोहल, याद रखना। कार्बोक्सिलिक रिड्यूस कर दो आ जाएगा, बाकी एसिटाइल क्लोराइड कर दो तो आ जाएगा रोजेमंड रिएक्शन। रोजेमंड रिएक्शन में आप लोगों को एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल क्लोराइड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल आएगा। अभी एल्डिहाइड नहीं पड़ा रहा तो अभी रोजेमंड छोड़ दो, अभी रोजेमंड इसमें नहीं है, क्या छोड़ो रोजेमंड। अभी याद रखो आर सी ओ सी एल को रिड्यूस करने से अल्कोहल आ जा रहा, आर सी ओ का होल टू से ओ से अल्कोहल, फिर एन एच टू डाल दो तो एच एन ओ टू डाल दो, ठीक है आर एन एच टू अगर रखा है तो एच एन ओ टू डाल दो अल्कोहल आ जाएगा। फिर आप लोग कौन सा नेसेंट ऑक्सीजन डाल दो आर एम जी एक्स में, और इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, पानी पिला दो तो अल्कोहल आ जाएगा। फिर एल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड डाल दो, उसमें पानी पिला दो तो आ जाएगा। फिर वही वाला चीज़ है, रिंग फॉर्मेशन है और कुछ नहीं, पानी पिलाते जाओ। H2O को पानी बोला जाता है, तो अब मतलब कंफ्यूज मत करना पानी कहाँ मिलाते जा रहा हूँ मैं। अब आ जाए एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन से देख लो, एसिटाइलेशन से क्या हो रहा, हैलोजन मिला दिया तो RX आ गया, BOCl2 PCl3 PCl5 तो हेलाइड आ जाएगा अल्काइल हैलाइड, RMGX ग्रीनार्ड है तो RH आ जाएगा, डिहाइड्रेशन ईथर और अल्किन आ जाएगा, कॉपर मिला गया कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा, ऑक्सीडेशन कराओ तो कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तभी केटोन आएगा, याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल होगा तभी केटोन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड देगा और फर्दर ऑक्सीडाइज करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक देगा, तो याद ये चीज रख लेना। NH3 लगा दिया तो अमीन दे देगा, RCO LDL लगा दिया तो एसिटल दे दिया, RCOR लगा दिया तो कीटल दे देगा, CH2NH2 लगा दिया, CH2NH2 नहीं होगा N2H2 मतलब NH2NH2 भी नहीं, N2H2 है ये कंपाउंड, तो ROCH3 आएगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन विल बी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन विल बी इंक्रीजेस हो रहा। फिर इस्टरीफिकेशन है, ये इस्टरीफिकेशन बोलते हैं, तो RCOOR आ जाएगा। और फिर आ गया आप लोगों का डाइल्यूट H2SO4 डाल दो तो ROH, फिर PCl5 अल्काइल क्लोराइड मतलब हेलाइड बन गया, फिर RCO का होल टू तो RCOOR, फिर HI और कोल्ड रिड्यूस हो रहा है मे बी, हाँ कोल्ड में, अच्छा टोटली रिड्यूस नहीं जाएगा, कोल्ड है ठंडा है, हॉट आएगा तब टोटली आ जाएगा, तो ये थोड़ा इसे मार कर लेना और इसे मार कर लेना। हॉट में 2 RI प्लस वाटर आएगा और कोल्ड में एक
अल्कोहल प्लस हेलाइड आएगा, ठीक है, और O2 डाल दो तो हाइड्रोपरोक्साइड, हाइड्रोपरोक्साइड। अब आता है रिडक्शन रिएक्शन विद कोल्ड एचआई। कोल्ड एचआई से क्या चीज होता है, बोला ना, मार्क कर लेना थोड़ा इसे। क्या होता है कि यहाँ देखो, अगर ऐसा आप लोगों को हो तो यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन होगा। अगर ये दो कार्बन से जुटा हो तो CH3I होगा प्लस CH3CH2OH, SN2 रिएक्शन, क्या चाहिए, SN2। SN2 पीछे से मारेगा बैक बॉन्डिंग SN2। अगर ऐसा हो, नीट 2000 जेईई मेंस 2018 में कुछ इसी तरह से पूछा था, जो कि आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन करवाया। तो ऐसा हो तो आप लोगों को SN2 रिएक्शन देगा, OH देगा, यहाँ पे फिनोल आ जाएगा और CH3I। 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो आयोडीन दे देगा, ठीक है। 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री पे यहाँ से OH हट जाएगा, CH3OH आ जाएगा। देखो CH3OH और R3CI आ जाएगा। R3CI, R मतलब CH3 को बोलेंगे। और ऐसा हो तो SN2 रिएक्शन, CH3 का होल टू CHO प्लस CH3I। तो सारा यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जितना तरह का बन सकता है वो, तो पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, काम बन जाएगा। अब आता है फिनॉल। C6H5 में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया हाई टेम्परेचर पे तो फिनोल आ जाएगा। फिर देखते चलो, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड में पानी मिला दो तो डाइजोनियम क्लोराइड में पानी मिलाने से फिनोल आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर पानी मिलाया है, इसे डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। C6H5 CH3 CH3O2H2O, मतलब एक तरह से बोलो तो ओजोनोलाइसिस, इस तरफ ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ये इसे क्यूमिन बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, क्यूमिन, ठीक ना, इसे क्यूमिन बोलते हैं। तो ऐसा करोगे तो क्यूमिन में आप लोगों को फिनोल आ जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मारा हुआ, जितना स्टार मारा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसे थोड़ा अच्छा से देखना, क्लियर है। C6H4OH सोडा लाइम डाल दो तो यहाँ पे सोडा लाइम बोले तो CaO डाल दो तो फिनॉल आ जाएगा। C6H5NOH3 प्लस फ्यूजन करेगा और फिनॉल दे देगा। अब आ जाओ रिएक्शन में, सोडियम डालो तो सोडियम C6H5ONa आ जाएगा, जिंक डालो तो बेंजीन बन जाएगा। खतरनाक वाला रिडक्शन है यार, डायरेक्ट जिंक डस्ट डाल दो तो बेंजीन बन जाएगा। इसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं, कौन सा, DOW, डाउस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। पहले किया जाता था पर वो तरीका गलत था, तो उसे डाउस प्रोसेस बोलते हैं। PCl3 C6H5 का होल 3 PO4, फिर NH3 ZnCl2 डाले तो C6H5NH2 दे देगा। FeCl3 वोलेट कलर, अब वोलेट कलर किस में देता है, मिरर टेस्ट या विक्टर मेयर टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट, अब देख लेना किस में देता है, 3 ऑप्शन दिया मैंने। Br2CCl4 डाल दो तो ऑर्थो पारा ब्रोमोफिनोल, Br2 वाटर डाल दो 2, 4, 6, याद आया, आज दिन में आप लोगों को क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, 2, 4, 6 डाई ब्रोमो फिनोल, ठीक है, तो देख लेना उसे जा करके, आप सॉल्व कर लेना। और ये भी किया था 2, 4, 6 डाई नाइट्रोफिनोल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर पिक्रिक एसिड का, और मोस्ट एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इसका। डाइल्यूट HNO2 डाल दो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, CH3ClAlCl3 डाल दिया तो ऑर्थो पारा से रिजोल्व, CH3Cl है, फिनॉल में CH3Cl है, ना कि CHCl3, ये ट्राई हेलाइड नहीं मोनो हेलाइड है। मोनो हेलाइड डालोगे तो ये आएगा, ट्राई हेलाइड डालोगे तो सैलिसिलिकॉइड, टेट्रा हेलाइड डाल दोगे तो सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NOH तो सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलेंगे कोलबे रिएक्शन और इसे बोलेंगे रेमन टेमन रिएक्शन। और इसे CH3 एसिटाइल क्लोराइड प्लस अल्मोनियम डाल दो और ZnCl2 तो ये आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। और रेमन टीमन 2018 में नीट में पूछा हुआ, ठीक है, तो इतना तो हो गया, फिनॉल खत्म। थोड़ा लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, 10-15 मिनट लगेगा, खत्म कर दूंगा मैं। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड और केटोन, तो अल्किन से ओजोनोलाइसिस करके आ जाएगा, अल्काइन से डाइल्यूट H2SO4 और Hg मर्कुरेशन शायद कर रहा, मर्करिक सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जेम डाइहाइलाइड से, जेम डाइहाइलाइड मतलब क्या बुझाता, जेम डाइहाइलाइड मतलब रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ 2 हेलोजन विथ सेम कार्बन एटम, विथ सेम कार्बन एटम, ठीक है, इसी कार्बन एटम से 2 हेलोजन लगे तो उसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, क्लियर है। अब आता है अल्कोहल, अल्कोहल में कॉपर डाल दो तो रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस तो नहीं करेगा भैया, अल्कोहल से कार्बोनिल बना रहे हो, या तो केटोन बनाओगे या तो एल्डिहाइड बनाओगे, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है, रिड्यूस नहीं करेगा। PCC देख लेना, क्वेश्चन में आप लोगों को ये मिला होगा, RCH2OH PCC डाल दिया तो कार्बोनिल कंपाउंड, और वो प्राइमरी
प्राइमरी बनाएगा, ठीक है, प्राइमरी याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी बनाएगा। अब आ जाता है एच प्लस और के टू सी आर टू ओ सेवन से कार्बोनिल कंपाउंड, फिर कार्बोक्सिलिक्स में मैग्नीशियम साइट डाल दिया तो 300 डिग्री सेल्सियस पे ही आ जाएगा, फिर ड्राई डिस्टिलेशन, फिर गिगनार्ड रिएजेंट ईस्टर से डाल दो, अल्काइल साइनाइड में ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये आ गया रोजेमंड, ये भी दिया है मैंने आप लोगों को होमवर्क में, एसिटाइल क्लोराइड में एच टू पी डी बी एस ओ फोर डाल दो तो रोजेमंड रिएक्शन बोलते, तो ये आ जाएगा। फिर आता है एस एन सी एल टू और एच सी एल और हाइड्रोलाइसिस करवा दो, नाइट्राइल बोल दो या साइनाइड बोल दो, ठीक ना, अल्काइल नाइट्राइल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, साइनाइड भी है, सी एन है तो साइनाइड, तो स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं, और ये आप लोगों को कार्बोनिल दे देगा। आप कार्बोनिल का रिएक्शन देख लो थोड़ा सा, एच सी एन से करवा दिए तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन, ये भी पूछा है आप लोगों होमवर्क में, इन्हें एच सी ओ थ्री करवा दो तो ये आ जाएगा, ऑक्सीडाइज करवा दो तो ऑक्सीडाइज ने पानी मिला दो उसमें, फिर आर ओ एच लगा दो तो ओ आर आ जाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स लगा दो तो ये कंपाउंड आ जाएगा, फिर आप लोगों को टिचेनको रिएक्शन, ये भी होमवर्क में दे दिया, अल्मोनियम ओ ई टी इथाइल ऑक्साइड को होल थ्री, इथाइल ऑक्साइड का होल थ्री और प्लस अल्मोनिया में से आप लोग कीजिएगा तो ईस्टर आ जाएगा, जिसे टिचेनको रिएक्शन बोलते हैं। ओ एच माइनस लगा दो, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड गिव्स अल्डोल रिएक्शन, क्या चीज देगा, अल्डोल, और फर्दर अल्डोल को आप लोग ओ एच मिला दोगे तो देखो अल्किन बन जाएगा, फर्दर अल्डोल में ओ एच मिला के हीट कर दोगे तो अल्किन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा अल्फा बीटा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, अल्फा पे, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, तो यही था, और नीट 2017 का क्वेश्चन है। फिर 50% ऑफ NaOH या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से पूछेगा तो इसे बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन, ये रहा कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही देगा कैनिजारो, ये बता बता के थक गया हूँ मैं तो यार, क्वेश्चन गलती करके मत आना। ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो अल्केन दे देगा, और क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं लिथियम अमोनियम हाइड्राइड अल्कोहल दे देगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड या कीटोन से तो अल्कोहल नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, आरएमजी ईथर कर दो तो अल्कोहल बन जाएगा, NH2 बोले तो उल्फ किशनर रिएक्शन बोलते हैं इसे, उल्फ किशनर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, NH2 को। अब आ जाओ एलियाफेटिक अमीन, एलियाफेटिक अमीन में आप लोगों का NH3 मिला दो तो आ जाएगा ROH के साथ, NH3 मिला दो, RNC के साथ H3O प्लस मिला दो तो आ जाएगा, SnHCl लगा दो तो आ जाएगा, रिड्यूस कर दो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड डाल के साइनाइड में तो आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी अल्काइल के साथ तो ClNH2 लगा दो आ जाएगा, फिर एसिटामाइड में 1 मोल ऑफ Br2, यही था क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ Br2 प्लस 4 मोल ऑफ KOH हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलेंगे तो आप लोगों का प्राइमरी अमीन बनेगा, क्या चीज, प्राइमरी अमीन बनेगा। RCOH में N3H लगा दो और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, N3H और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो ये बन जाएगा सिचमिट रिएक्शन बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड में NaNN3 प्लस H3O प्लस लगा दो तो ये बन जाएगा QTS रिएक्शन बोलते हैं, CURTIUS रिएक्शन, ठीक है, QTS रिएक्शन, गैब्रियल पैथलडिहाइड रिएक्शन, और गैब्रियल पैथलडिहाइड में याद रखना ओनली 1 डिग्री अमीन इज प्रिपेयर्ड, क्या चाहिए, ओनली 1 डिग्री अमीन इज प्रिपेयर्ड, नीट 2019 में आने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने में, ठीक है। फिर KOH RBR H3O प्लस रहता है, फिर आता है यहाँ NH3 और निकल H2 मतलब रिड्यूस कर दो तो आ जाएगा आप लोगों का, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो आप लोगों का रिडक्शन एमोनिएशन होना चाहिए, ठीक ना, एमिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एमिनेशन ही लिख लो जो लिखा हुआ वही सही है। फिर HCl डाल दो इसमें, अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, HCl डाल दो तो अच्छा है, एक NH3 और एक क्लोरीन माइनस आ जाएगा, फिर सोडियम डाल दो तो NH आ जाएगा, हेलोजन डाल दिया मतलब अल्काइल हैलाइड तो R2NH आ जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया तो RNH COR और फिर से वही फिनाइल डाल दिया एसिटाइल फिनाइल तो RNH सी डबल बॉन्ड ओ पी एच ऑफेंसिव स्मेल आता है, CHCl3 प्लस ट्राई हेलाइड है ये प्लस KOH डाल दो तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी अमीन सिर्फ और सिर्फ देगा, ठीक है। फिर मस्टर्ड ऑयल स्मेल का देख लो, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं, HNO2 डाल दिया तो ROH RMGX RH आ जाएगा, फिर
चीफ बेस आ जाएगा, फिर NOCl और RCl। तो यहाँ तक आप लोगों का होता है ये चीज़ ख़त्म। अब आता है फिनॉल के साथ, ठीक है, मतलब एनिलीन भी बोलते हैं इसे, एनिलीन। तो देख लो, CU2O डाल दो हाई टेम्परेचर पे तो आ जाएगा, फिर ZnCl2 डाल दो 300 डिग्री पे तो आ जाएगा H3O+। डाल दो, थोड़ा स्पीड में इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। SnHCl डाल दो तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे एसीटामाइड है, मतलब फिनॉल है प्लस एसीटामाइड, तो वही होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी आ सकता है। और फिर से वही NaNA3 और H+ मिला दिया, फिर रिडक्शन लास्ट में देख लो, रिडक्शन करवा के आ जाएगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसका HCl से और AuCl4 सोडियम डाल दो ClCOCH3 से, फिर CHCl3+ QH हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो है ये टैज, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारा हुआ इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ लेना, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों का होता है ख़त्म। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बात सुनना। तो देखो ऑर्गेनिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, थोड़ा स्पीड में था यार, भागना पड़ेगा थोड़ा तेज़ी से, और आप लोग भी मेरे साथ चलना तेज़ी से, ठीक ना, जितना जल्दी से जल्दी। आप लोग थोड़ा सा वेट करते चलो, बाकी मैं बता रहा हूँ होली से पहले, जब भी है होली 20-21 या 22 जब भी आप लोग का है होली, उससे पहले आप लोगों का क्लास 12th का सारा पोर्शन क्लियर होगा, 12th का पूरा। यार अब देखो क्वेश्चन पेपर मैं देता हूँ, पेपर दे दिया, थ्योरी दे दिया, नोट्स दे दिया, सारा कुछ पढ़ा दिया, इतना मेहनत करता हूँ तभी इस कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि यार आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही बात है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो यार कोई ना कोई तो ज़रूर देखता होगा इस मेहनत को, तो मेहनत का फल मिलेगा। ये क्या लिखने में इतना आसान चीज़ नहीं है, इसे लिखना एक जगह इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा मेहनत है, प्लस इतना नोट्स ये सब बनाना, छोटा छोटा पॉइंट करके लिखना, और ये आप लोगों को शॉर्टकट दिख रहा होगा पर इसके पीछे कितना मेहनत है। पूरा अमीन लॉन्ग कट में मैंने पढ़ाया, पूरा का पूरा अमीन एक एक रिएक्शन करके दिखाया, पर अभी टाइम नहीं है कि मैं इसे पढ़ा पाऊँ। फिर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये पूरा प्रीवियस ईयर नीट का प्रीवियस ईयर जितना भी आज तक पूछा अमीन में से, सारा क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन पूछा गया है, 34 का 34 क्वेश्चन है, क्लियर है। फिर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पूरा पढ़ाया, पूरा बेसिक से लेकर के सारा कुछ पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये आप लोगों का है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया, पर अभी समय कम है उसके कारण नहीं है। देखिए ऑर्डर ऑर्डर आप लोग, हाँ प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारा कुछ मिल जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर सारा कुछ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। और इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं ये डालता हूँ। तो देखो इससे एक कहानी है, क्या होता है कि एक आदमी होता है लास्ट में, एक कहानी सुन के ही जाना, तभी तो कुछ, ऐसे तो बोर हो जाओगे ना आप लोग, तो कुछ एक बनता है कहानी सुनाना। क्या होता है कि एक बार आदमी होता है समुन्दर के बाहर, बहुत सारा मछली रहता है, मछली को समुन्दर में वो आदमी डाल रहा होता, तो एक आदमी आता और तो वो बोलता है यार ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये झुटमुट का इतने सारे मछली कितना को डाल पाएगा तुम समुन्दर में। तो वो बोलता है कि इससे क्या होगा, इतना सारा मछली डालते रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इससे होगा क्या, कुछ नहीं बदलने वाला है, बहुत सारा मछली है। तो वो जो आदमी वहाँ पे जो मछली डाल रहा होता है वो बोलता है कि देखो पहले तो एक मछली को उठाता है और मछली को उठा करके उसे समुन्दर में फेंकता और बोलता है कि देखो ये होगा, यही फ़र्क पड़ेगा कि ये मछली बच जाएगा, इस मछली को ज़िंदगी मिल जाएगा, और एक मछली को ज़िंदगी मिल जाएगा मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक ना। तो बस वही है मेरा भी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इतना कुछ कर रहा हूँ इससे मुझे क्या मिलेगा कुछ नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है अगर एक स्टूडेंट का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो समझो कि मेरा पढ़ाना काम बन गया, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो मेरा सफल हो गया। तो इसलिए मेहनत करो, मन लगा कर पढ़ो और मिलेगा यार, इतना मेहनत कर रहे तब तो कोई ना कोई है जरूर देख रहा है और देगा, जरूर देगा। तो क्वेश्चन लगा लिया हम लोगों ने, नोट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, फंडामेंटल पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, थेथिस उथिस जिंदा भी रहता पढ़ लिया, NCERT एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इतना पढ़ाने के बाद, NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा इतना पढ़ाने के बाद, उसके बाद तो ये एडवांस का पेपर ला के रख दो हम लोगों के सामने, हम लोगों का इतना स्ट्रांग हो गया ऑर्गेनिक कि हम लोग बैठे बैठे बना देंगे, क्लियर है।
क्लियर है। और अप्रैल का मंथ आने दो, अप्रैल का मंथ में ये सब फिनिश कर लेने दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन उठा उठा के डालूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी प्लीज़, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस पावर मेरा भी बढ़ेगा, बूस्टअप होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करेंगे तो मुझे भी लगेगा हाँ नंबर ऑफ मछलियाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा मछलियों को मैं बचाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज़ करवाइए, और ये सारा कुछ आपके लिए है। चलो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।